नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी जिम्नी के बारे में, जो कि एक फोर व्हील ड्राइव ऑफ रोडर है जो जिप्सी की जगह रिप्लेस किया गया है, जिसमें फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ डीआरएल्स भी देखने को मिलेगी, विद फॉग लैम्प ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, साथ इसमें हेडलैम्प वॉशर भी देखने को मिलेगा जिससे कि हेडलैम्प पुराना हो। और साथ ही टायर साइज की अगर बात करें तो इसमें 15 इंचेस के एलॉय व्हील देखने को मिलते हैं विद फोर व्हील ड्राइव ऑप्शन। एंड अगेन दिस इज द ओवरव्यू, साथ ही इसमें ग्रे कलर की फिनिश के साथ और ORVM का ऑप्शन देखने को मिलेगा, एंड व्यू लिड का ऑप्शन देखने को मिला, बिजली सेंसर सिक्योरिटी अलार्म भी देखने को मिलेगा इसमें, एंड इसमें डिफरेंशियल लॉक का सिस्टम देखने को मिला। फुली पेट्रोल गाड़ी है जिम्नी सियारा, जो कि टाटा सियारा से इंस्पायर्ड है। नाउ रियर की अगर बात करते हैं तो रियर में कुछ ऐसा कुछ स्पेस देखने को मिलता है जिसमें टू सीट आप में देखने को मिलेगी, एंड काफ़ी स्पेसफुल गाड़ी है, काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट गाड़ी है फोर व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ, अगर फुली जिप्सी से इंस्पायर्ड है, सो दैट्स वाई काफ़ी सिंपल डिजाइन और वही इंजन के साथ यूज़ किया गया है जो कि 130 NM टॉप प्रोड्यूस करता है, 130 NS की पावर प्रोड्यूस करता है। इवन ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर का ऑप्शन, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर भी देखने को मिलेंगे इसमें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, जो कि सबसे सस्ती एसयूवी लुक गाड़ी देखने को मिलेगी, जिसमें पहले वाली की तरह सेम लुक है इसमें, इवन कोई चेंजेस नहीं है, काफ़ी एंड ग्राफिक्स की काफ़ी इम्पोर्टेंस मारुति की सबसे सस्ती जो कि CNC में अवेलेबल है। रियर की अगर बात करूँ, रियर सीटिंग की बात करूँ तो स्पेसफुल काफ़ी स्पेशियस गाड़ी देखने को मिलेगी विद हाइट हेडरूम ऑल्सो, इवन रियर में पास ट्रे भी दे ऑप्शन देखने को मिलेगी। साइड डोर्स की बात करूँ तो इसमें रेड कलर की गार्निश देखने को मिलेगी विद मैनुअल पावर मैनुअल विंडो। अगेन फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में भी सेम डिजाइन देखने को मिलेगी। चेकआउट इट्स इंटीरियर, साथ ही इंटीरियर चेकआउट करा देता हूँ, जिसमें वोटर डोर पैनल की बात करें इसमें वोटर के साथ कुछ स्पेस देखने को मिलेगा, एंड अगेन सेम फिनिश का डोर, साथ ही काफ़ी स्पेशियस इसमें इंटीरियर देखने को मिलेगा जिसमें एक सिंपल स्टीयरिंग के साथ, इसमें सेंटर कंसोल की बात करते हैं इसमें MID और सोनी का इंफोटेनमेंट सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, पावर विंडो के कंट्रोल्स के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, हेजर्ड लैम्प का ऑप्शन देखने को मिलेगा, AC के कंट्रोल्स कुछ देखने को मिलेंगे, अगेन 2 कप होल्डर्स के साथ कुछ स्पेस देखने को मिलेगा, गियर नॉब का देखने को मिलेगा, एंड साथ ही AC वेंट्स का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, एंड नॉर्मल सनवाइजर का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। मैं इसका बूट चेक कराता हूँ। क्या सर, व्हील ऑल्सो अवेलेबल इन CNG।